रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला स्कूल में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। इस आग लगी में स्कूल के 4 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। स्कूल का सीढ़ी घर भी आग में स्वाहा हो गया। जिला स्कूल की बिल्डिंग आज़ादी के पहले की बनी हुई है, जिसमें इमारती लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इस वजह से आग की लपटें बेहद तेज गति से फैली और देखते ही देखते स्कूल के 4 कमरों को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से एक तरफ भगदड़ मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कोतवाली पुलिस और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। किसी तरह 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के 5 वाहनों ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के वाहनों को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिला स्कूल का गेट छोटा होने की वजह से दमकल के वाहन अंदर नहीं जा पा रहे थे। दमकल के वाहनों को बड़ी मुश्किल के साथ गेट के अंदर लाया गया और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। गनीमत थी कि आग लगते ही स्कूल के सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए थे। हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे और देखे कि पढ़ते पढ़ते अचानक धुआं निकलने लगा, तो जब देखे हम लोग तो खिड़की हम लोग का बंद था, खिड़की हम लोग खोल के देखे तो धुआं निकल रहा था पूरा। उसके बाद फिर अचानक से जलने लगा खिड़की, और तब हम लोग टीचर को बताए और हम लोग वहाँ से निकल गए। ये लगभग 9:30 बजे की है घटना बताया जा रहा है। जैसा क्लास भी शुरू हो गया था, बच्चों को पता चला कि ऊपर के मंजिले पे आग लगी है, तुरंत हम लोग फायर ब्रिगेड और जेसीबी वगैरह लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी आग बुझाने के लिए। वहीं स्कूल के शिक्षकों का आरोप है कि जिला स्कूल के पिछले हिस्से में बड़े पैमाने पर गंजेड़ियों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, उन्हीं के वजह से आग लगने की आशंका भी शिक्षकों ने जताई है। स्कूल पहुँचे विद्यालय, उस टाइम 9:15 में धुआं निकल रही थी, धुआं निकलते तो हम लोग बाहर गए उधर बाल्टी लेके पानी फेंकने। उसके बाद तो आग ऊपर तल्ला में है, इसलिए हम लोग चढ़ नहीं पाए उधर, आग पकड़ ली थी उसे बुताने नहीं सके। रात को यहाँ पर घुस के गंजड़े लोग, उधर जो साइकिल स्टैंड है वहीं पर रहता है, खाता पीता है, सुबह भाग जाता है, हम लोग को शंका उसी से। जिला स्कूल में लगे भीषण आग पर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन शिक्षकों ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर पुलिस प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें लगातार फैल रही थी, अगर बच्चे सीढ़ी घर से बाहर निकलते तो एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।